नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय पंचका। अभी हमारा टीम आके पहुंच चुका है मालिका के एक प्रसिद्ध स्थान जिसको हम कहते हैं धानकुद पीठ। धानकुद पीठ पर अभी हम मौजूद हैं और हमारे साथ अभी जुड़े हैं धानकुद पीठ के जो पीठाधीश, उनका नाम है प्रेम सागर बाबा अर्खित दास महाराज जी। बाबा, आपका स्वागत करता हूँ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आज से लगभग 40 साल पहले बाबा जी अकेले मालिका के ऊपर जो है रिसर्च करते थे। उस समय यातायात का इतना सुविधा भी नहीं था, हाथ में मोबाइल भी नहीं था, बस एक साइकिल पकड़कर बाबा जी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। और महापुरुषों ने जो लिखे हैं मालिका ग्रंथ, वो जगह के बारे में जानने के लिए उनका जो इच्छा शक्ति था वो उनको खींच के ले जाता था वहाँ पर। तो आइए बाबा जी से हम अभी बात करेंगे कि कलयुग के अंतिम कालखंड में क्या क्या होगा, महापुरुषों ने क्या क्या लिखे हैं। तो बाबा जी, हमारे जो हिंदी दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं कि पंच सखाएं मालिका में जो लिखा है पंच सखाएं, तो उन्होंने कलयुग के अंतिम कालखंड में क्या क्या होगा उसके बारे में क्या क्या लिखे हैं वो जरा बताइए। जय जगन्नाथ, जय पंच सखा, जय ध्यान कुदो। आप सबको मेरे भक्ति भरा प्रणाम। देखिए, उड़ीसा का पंच सखा जो जैसे भारतवर्ष में कबीर, नानक, तुलसीदास, मीराबाई, तुकराम, सूरदास जैसे संत होता है, इस संत का आविर्भाव समय में उड़ीसा में पंच सखा का आविर्भाव हुआ था जी। ये पंच सखा जो अच्युत अनंत जसवंत जगन्नाथ नाम से नामित तो होता है, तो लोग लखे लखे ग्रंथों रचना किया, जैसे कि अच्युतानंद महाचुदानंद दास जी ने, स्वामी अच्युतानंद जी गोस्वामी लिखा है जो 36 संहिता 28 गीता वंशा। आप ओडिया में बोलिए, उसके बाद आप हिंदी में बताइए। 36 संहिता 28 गीता वंशानु सप्त विंशरे उपवंशानु सप्त खंड घेनी भविष्य सप्त खंडरे पदे पद्मावली लखे कजे ग्रंथ सबु श्रीकृष्ण महिमा तो आगे कहली बरज कुमर ब्रह्म सार सुत सीमा। तो मैंने ऐसे अच्युतानंद महापुरुष ऐसे महापुरुष था जो एक लक्ष्य ग्रंथ से ऊर्ध लिखा, और इसी ग्रंथ पृथ्वी में विरल है। जैसे कि व्यासदेव बहु शास्त्र रचना किया, इनके परे ओडिशा में ऐसे संत कोई नहीं जो से एक लक्ष्य ग्रंथ का रचना किया, वो बोले अच्युतानंद 85,000 और अच्युतानंद पंच सखा लक्ष्य ग्रंथ जो संपूर्ण लक्ष्मीधर विलास ठाबे ठाबे नीला गाई में मोर भक्त लक्ष्य ग्रंथ पंच सखा लेखि जाइंट आगत लेखा आपको विश्वास रजीवे टका समयानुक्रम जुवप्राण लोक मैंने बुझी नपारी बेहतक हे तेणु लक्ष्य ग्रंथ पंच सखा ताद्ध शास्त्र पुराण आप अच्युतानंद जी के शून्य संहिता ऐसे ग्रंथ है दो भाग में विभक्त। यदि इनको पाठ करेगा तो बोलेगा संसार में और कुछ नहीं, जैसे भगवान श्री कृष्ण को, श्री राम को, श्री जगन्नाथ हो, श्री नारायण हो, दश अवतार एवं पुराण शास्त्र के सब कुछ ही वर्णना इसी में सार तत्व से वर्णित हुआ जी जी जी। और इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है श्री गुरु भक्ति गीता, श्री गुरु भक्ति गीता जिसी में गुरु शिष्य का संपर्क कैसे होता है, गुरु क्या, हाँ गुरु क्या है, शिष्य क्या, कैसे गुरु होना चाहिए, कैसे शिष्य होना चाहिए। जैसे कबीर कहते ए गुरु तो ऐसा होना चाहिए जो शिष्य में कुछ नहीं चाहिए, शिष्य से ऐसा होना चाहिए जो गुरु को सब कुछ दे। क्या बात, ऐसे अर्थ में क्या होता है जो समर्पित तो होता है मान, गुरु और शिष्य के भीतर में पिता पुत्र के समान होता है, गुरु होता है भगवान और शिष्य होता है इनका भक्त, तेणु इन्हीं भक्ति में मलिन नहीं आना चाहिए। तेणु जिनसे एक कलयुग का महिमा और कलयुग का गतिविधि आचार विचार कलयुग का पतन कल की अवतार एवं कलयुग क्या क्या घटना वाला है इनको टेक्निक से वर्णन किया अच्युतानंद पंच सखा जी। यानी कलयुग के अंतिम कालखंड में क्या क्या होगा उसके लक्षण के बारे में भी अच्युतानंद दास ने बोला। जैसे देखिए आप लोग, ये हम उड़िया में अनुवाद करता है, घोर कलिकाल के युग में प्राणी का चेतना नहीं रहेगा,
वो लोग अपथगामी होगा, निशाशक्त होगा, परधन परनारी हरण करेगा, मिथ्यावादी होगा, अन्य का धन जीवन हरण करेगा, गोमाता दुग्ध नहीं अच्छा नहीं देगा, कम जाएगा, जैसे कि वृक्ष लता करु नदी ये सब का विनाश घटेगा एवं नदी का श्रोता नहीं रहेगा एवं पवित्र हाँ देव्या देवी मंदिर का पवित्रता नहीं रहेगा, तीर्थ स्थल में पापाचरण होगा एवं सारा संसार में जैसे बेटा बेटी और पिता पुत्र एवं गुरु शिष्य एवं बड़े शान से विचार विभेद नहीं रहेगा, अहंकार बढ़ जाएगा, मुकार बढ़ जाएगा, चोरी होगा, मिथ्या होगा, काउटरी होगा एवं सबू सबके क्षेत्र में ऐसे कली प्रवेश करेगा जो सबका विभ्रांत तो हो जाएगा मानसिक। इसीलिए तो संत महात्मा माने जैसे भगवान के नाम लियो, कलयुग में महामंत्र पाठ करो, श्री कृष्ण का नाम लो, श्री राधा का नाम लो, श्री राम का नाम लो, श्री हनुमान जी का नाम लियो, इनका भी महिमा है, इसी पाठ करने से कली भी निस्तर हो जाएगा। जैसे संत सूरदास ने एक वाणी कहा, संभवत 2000 के ऊपर ऐसा योग परे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण बहुदिश काल फिरी, अकाल मृत्यु जग में वापे प्रजा बहुत मरे, दुष्ट दुष्ट को ऐसे काटे जैसे काट जरे, रे मनो धीरज को नहीं धरे, संभवत 2000 के ऊपर ऐसा योग परे। ये मसीहा कथा विश्व मसीहा होब शून्य अच्युतानंद कहते विश्व मसीहा हो जाएगा तो सब कुछ घटने लगेगा, तो 2000 संभवत 2000 के ऊपर 2000 ऊपर रे सब किसी अघटन घटा को लगे ए संदेह किसी ना। तुलसीदास कहते अन्न सत मान जब आवे संभवत विंसा नरे इसलाम नरे ईसा, ये गोटे मुसलमान हिंदू ख्रीस्टियान बा धर्म भितर एक बिव्रत बा भेदाभेद सृष्टि हो वर्तमान ता कर्म सूचना मिलवा को जा जैसे बन्या बात्या भूमिकंप प्राकृतिक प्राकृतिक विपर्यस जैसे अघटन घटन करेगा, जानवान पीड़ा अग्निपात होगा, लोगों की जान भी जाएगी, लोग की जान जाएगी, आकाश से अग्नि वर्षा होगा, प्रचंड रुद्रताप हो जाएगा, सूर्य का किरण ताप बढ़ जाएगा, ऐसे सब उल्का भी गिरेगा और बेर कब कब अचानक भाव जैसे महामारी भी आएगा, नाना रोग 64 प्रकार रोग भी व्याप जाएगा, जैसे कि डॉक्टर वैद्य पहचानेगा नहीं, ऐसा ऐसा भी बीमारी को डॉक्टर जो है तो पहचान में नहीं करेगा। देख उड़िया में वो संत ने कहा, माता माउसी सास को हरण वेदन पढ़े तिले ब्राह्मण भग्नी की हरिवे सोदर भाई विप्रे मदिराजे खाइबे वही अति दुर्नीति हेब प्रबल पूजा न करे देवता आल गुरु को शिष्य जे मानव ना गुरु को देखले लुचब से गोदंडा तसबे गालुआ चोर भाउज को घेनी करे घर शाशु बाड़क बहु धरी से भारी जा घेनी पुओ रिधर्मी पुत्र संसार प्रबल भारी जा को घेनी हो गल नृपति नाचुआ हेब संसार स्वाद नईब मधु साकर लवण उठब पूर्व दिगर मारी महरग हेब सेठार ब्राह्मण वेद बिक्रिय करे गाभ मान जे अवक्ष बखे थोली मान एवं कूलवर्ती सती नारी नाति दिवस उदित होब तारा प्रचंड होब रविर खरा कहार श्रीमद भागवत कहा जे कहार न रहीब बुद्धि बुद्धि हरिबे गुण निधि अगम्य करिबे गमन निंदिबे निगम वचन ऐसे काट कलिजुग में घटेगा। इसीलिए तो भगवान अच्युतानंद जी महापुरुष और पंचसखा आम ओडिशा का कि भारत में जितना संत है बहुत महापुरुष कल्कि अवतार भगवान का होगा, 10 अवतार में शेष अवतार है कल्कि कल्कि अवतार कल्कि अवतार जे में सकल धर्म रक्षा थे भागवत भी कहूँ जे कल्कि अवतार है भगवान भगवान को राम अवतार को विश्वास कर जैसे राम को विश्वास होता है राम भक्त, श्री कृष्ण से विश्वास होता है कृष्ण भक्त, श्री नारायण शिव से भक्ति होता है, श्री हनुमान जी से भक्ति होता है, ऐसे कल्कि भगवान भी अवतार है ना पुराण शास्त्र में मत्स्य कश्य बराह नरसिंह वामन
परशुराम राम हलोदोर बुद्धो कल्कि, ये दस अवतार होगा, शेष अवतार तो कल्कि होगा ना। इसलिए कलयुग युग में कलयुग के प्रभाव से प्राणी का दुख बढ़ जाएगा, संत साधु संतड़ तो हो जाएगा, इस समय भगवान जन्म होगा। जदा जदाई धर्म से, जैसे गीता का वाणी है, धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान अवतीर्ण हो गए मत्स्यमंडल में कल्कि अवतार, कलयुगों में कल्कि अवतार में। कलयुग का परमाई 4 लाख के भाई 32,000 वर्ष होता है, वो पाप से कटेगा, इनका विनाश करी, कलिकलु से निनाश करी, संत साधु वेद शास्त्र पुराण को स्थापन करके भगवत राज्य प्रतिष्ठा करने के लिए, महामंत्र प्रदान करने के लिए, हरिनाम श्री राम श्री कृष्ण नाम प्रचार करने के लिए, भगवत विश्वास बढ़ाने के लिए भगवान तो कल्कि अवतार हो गए ना, तो ये कलयुग रहेगा। ऐसे भविष्यवाणी में है, जो सारा पृथ्वी में जो भयंकर परिस्थिति आएगा, बात्या होगा, बन्य होगा, युद्ध होगा, शांति नहीं आएगा, प्रत्येक परिवार में अशांति आएगा, आपके जैसे प्रशासन, आपके जैसे राजनीति में, विज्ञान ज्ञान में एवं संत साधु में ऐसा भी भेद आ जाएगा इस समय, ऐसा कलि का प्रभाव होगा। इसलिए भगवान कल्कि अवतार होकर के पूज्य संत साधु महात्मा के उद्धार करेंगे, सत्य धर्म के रक्षा करेंगे एवं समग्र पृथ्वी में शांति प्रतिष्ठा का। भारत में ऐसा रहस्य है, ऐसा आध्यात्मिक चेतना है, जिस सनातन धर्म का मौलिक तो होता है, इस सनातन धर्म के लोग ये जल स्थल आकाश सर्वघट में भगवान का दर्शन होता है। सनातन के जिनका पास है वो समान बात होता है, वो सब कुछ के समान भाव से देखता है, किसी का हिंसा नहीं करता। सनातन धर्म में कोई हिंसा नहीं, मालिका में बोली तो हुआ है, हिंसा रहेगा, जीव हत्या होगा, ऐसे अचानक भावे प्राणी हत्या होगा, कहाँ से कहाँ हो जाएगा, भैरव भी डाक देगा, अग्नि भी वर्षण हो जाएगा, कहाँ कहाँ बन्या बात्या भूमिकंप मार जाएगा, कहाँ भूमिकंप हो जाएगा, कहाँ से कहाँ क्या क्या घट जाएगा, रात में सो जाएगा तो इनके मृत्यु हो जाएगा, किसी किसी सर्प का भय होगा, किसी कुंभीर का भय होगा, किसी किसी मत्स्य का भय होगा, किसी जल का, नील का, पृथ्वी का, जल का, अग्नि का, वायु का भय भी आ जाएगा अचानक। ऐसा शब्द भी आएगा जो शब्द सुन के प्राणी प्राणी मर जाएगा, इनका आत्मा खंड खंड हो जाएगा, अच्छा चित्कार करेगा। तो इसलिए तो भगवान का बहुत बढ़िया करना चाहिए कल्कि अवतार की। देखिए आप सभी शुद्धि ज्ञानी विज्ञ, मेरे बात सुनिए आप लोग, आपके प्रणाम। जी जी, मैं वही बात कहना चाहता हूँ कि अंत में मतलब भक्तों के लिए आपका क्या रहेगा संदेश, ए बस थोड़ा सा। देखिए भक्त जन साधारण, आप सबके प्रणाम। भक्ति भगवान का लीला अपार है, अनंत अपार है, इनका लीला समझने के लिए जी ब्रह्मा जी, शिव जी एवं महालक्ष्मी एवं अनंत नाग शेष नहीं पाता, गणेश जी इनका अंत नहीं पाता, माता सरस्वती जी इनका अंत नहीं पाता, इनका कल्पना क्या करेगा। तेनु ये भगवान का कल्पना था, मालिका है ये मालिका, भगवान का कल्पना है, ये युग का अंतिम ऐसे होगा, कालखंड में ऐसे होगा ही होगा होगा। तेनु जैसे महाभारत हुआ, जैसे रामायण हुआ, ऐसे कलि युग में मध्य महाप्रलय हो जाएगा एवं कल्कि अवतार होगा, युद्ध होगा एवं कल्कि अवतार होगा। इसीलिए आप लोग को शांति से रहिए, प्रेम से करिए, भाव संयम सदाचार भगवत विश्वास रखिए। प्रत्येक आत्मा परमात्मा स्वरूप है, प्रत्येक प्राणी की विश्वास रखिए, श्रद्धा करिए, प्रत्येक आत्मा में भगवान विराजित होता है। ऐसे किसी को हिंसा नहीं करना चाहिए, किसी का मन नहीं करना। प्रत्येक नारी का अंदर में निज आपके जननी का रूप देखिए, माँ का रूप देखिए, सब कुछ शांति मिल जाएगा। मालिका प्रतिकार किया है, जो सत शांति दया क्षमा में रहेगा इनको कुछ नहीं होगा, वो जिंदा रहेगा। जैसे भरतिया पक्षी भारत युद्ध में जिंदा रहिया, जैसे भगवान भरोसे मार्कंड ऋषि महाप्रलय में भगवान का दर्शन पाए, ध्रुव प्रहलाद जैसे ऋषि मुनि तपस्या में भगवत प्राप्ति हुआ, महामहा दुख निवारण हुआ। लेकिन आप लोगों को विश्वास रहना चाहिए। और कलयुग में श्रेष्ठ अवतार भगवान जगन्नाथ जी उड़ीसा में है, समग्र पृथ्वी का पिता है, विश्व के बाप, विश्व के जगत नाथ, जगत नाथ, जो ही राम वही कृष्ण वही जगन्नाथ। इसलिए
आप लोग भेद मत करिए, राम के भजन करो, कृष्ण के भजन करो, जगन्नाथ के भजन करो एवं से कल की भगवान को चिंता करो। हे प्रभु कल की तुम हमको रक्षा करो, हमार विश्व को रक्षा करो, शांति दो और आपके अवतार से पृथ्वी में शांति आना चाहिए। तेनु ऐसे भविष्यवाणी में बहुत कथा गाथा उल्लेख हुआ है। समय होगा, अभी समय कम है, फिर मैं समय निकाल के आपके पास आऊंगा। और भी क्या क्या मालिका में लिखा है उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बात पहुंचाएंगे। तो महाराज जी आपको हमारे चैनल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, सबको प्रणाम। तो अभी आप सुन रहे थे धानकूद पीठ, ये जो मालिका का एक प्रसिद्ध पीठ है इसका नाम है धानकूद पीठ। धानकूद पीठ के जो पीठाधीश है उनका नाम है संत प्रेम सागर बाबा अर्खिदास महाराज जी। अभी आप सुन रहे थे तो मालिका के बारे में वो बता रहे थे। जब जब हमारे पास फिर से समय मिलेगा दोबारा हम फिर से महाराज जी के पास आएंगे और मालिका में क्या कुछ लिखा है उसके बारे में हम आप तक पहुँचाएंगे। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जगन्नाथ, जय पंचखा।